बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वी हैव हेडिंग ऑफ डबल लेटर फोनोग्राम्स। आप लोग पहले के लेसन्स में पढ़ चुके हैं डबल लेटर फोनोग्राम्स के बारे में, कि जब हम टू सिंगल लेटर फोनोग्राम्स को मिलाते हैं तो हमारे पास वन डबल लेटर फोनोग्राम बन जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ पे सिंगल लेटर फोनोग्राम्स की अपनी साउंड्स भी नहीं रहती हैं, हम एक न्यू साउंड के साथ एक फोनोग्राम मिलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सी और एच को हम मिलाएंगे तो हमारा सी एच डबल लेटर फोनोग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की भी अपनी साउंड नहीं होगी और एच की भी अपनी साउंड नहीं होगी, ठीक है। ये दोनों मिलके एक न्यू साउंड बनाएंगे और वो साउंड वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। और इससे पहले हम लोग टू लेसन्स अटेंड कर चुके हैं डबल लेटर फोनोग्राम्स के, और टू हमने रिविजनरी लेसन्स भी अटेंड किए, ठीक है। राइटिंग सीरीज से हमने टू लेसन्स अटेंड किए थे, जिसमें हमने राइटिंग की थी और हमने वर्ड की रीडिंग भी की थी साउंड्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। और उसके बाद हमने रिवीजन भी की है। अगर आप लोगों ने वो अटेंड किया है लेसन, तो उससे आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हुई होगी, ठीक है। दैट्स वेरी गुड। आप लोग डेली बेसिस पे अपना वर्क कंप्लीट करते रहें और रीडिंग बहुत अच्छी करें अपनी, ठीक है। रीडिंग जितने भी वर्ड्स आपको गिवन हो, आपने बहुत अच्छी उनकी रीडिंग करनी है, ठीक है। बट अपना नेक्स्ट लेसन अटेंड करने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस फोनोग्राम्स जो हमने पढ़े हैं, उनकी हम साउंड्स की रिवीजन करेंगे। सो हे आई हैव और प्रीवियस फोनोग्राम्स। आप लोग मुझे बताएं इसकी क्या साउंड हमने पढ़ी थी, आप सबको याद है? वेरी नाइस। व्हाट वाज द साउंड? यस, श। वेरी नाइस। नेक्स्ट वन, ई। आओ, ओ। आओ, ओ, ऊ, आ, ऊ, ओ। क्लियर स्टूडेंट्स? सो इट वॉज अ रिवीजन। ये हमारी रिवीजन थी। अब जैसे कि आप लोग बहुत सारे वर्ड्स बोर्ड पे देख रहे हैं, ठीक है, अब हमने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। एक और तरीके से मैं आपको साउंड्स को सिखाऊंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरे साथ आपने इन वर्ड्स को रीड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी हमें कोई साउंड नहीं पता, अभी हमें सी एच की कोई साउंड नहीं पता, हमें ए आर की साउंड नहीं पता, ए वाई की भी साउंड नहीं पता, लेकिन अब हम इन वर्ड्स को रीड करेंगे और वर्ड रीडिंग के थ्रू हम लोग खुद साउंड गेस करेंगे, ठीक है। हम लोग खुद साउंड देखेंगे कि इनकी क्या साउंड्स हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट वर्ड रीड करते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ रीड करें। चेन, चेन। चेयर, चेयर। स्कूल, स्कूल। चाइल्ड, child। cod, cod। chef, chef। ache, ache। machine, machine, ठीक है। ये सी एच साउंड वर्ड्स हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपने इन वर्ड्स के थ्रू सी एच की कितनी साउंड्स आपने गेस की हैं। आपको क्या लगता है कि सी एच की हमारे पास यहाँ कितनी साउंड्स हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं? टू साउंड्स? ओ यस, थ्री साउंड। सी एच हैज थ्री साउंड। वेरी नाइस। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट साउंड हमें कहाँ कहाँ मिलेगी। फर्स्ट साउंड कौन कौन सी है, देखें। चेन, चेयर, चाइल्ड, ठीक है। ये थ्री वर्ड्स में हमें फर्स्ट साउंड मिल रही है। यहाँ पे भी मैं वन लिख दूंगी, ठीक है, यहाँ भी वन लिख दूंगी, एंड हेयर ऑल्सो, ठीक है। ये अब फर्स्ट साउंड हमें पता चल गई, ठीक है। सेकंड साउंड, फर्स्ट साउंड च, च इज द फर्स्ट साउंड, ठीक है। अब सेकंड साउंड हमें कहाँ कहाँ मिलेंगी। सेकंड, ये क्या वर्ड था, व्हाट वॉज द वर्ड, हमने अभी रीडिंग की है। स्कूल, वेरी गुड। स्कूल, स्कूल, ये क्या वर्ड था। कॉड, ख, स्कूल, ख, कॉड। वेरी नाइस।
ख एक एक, ठीक है। सो थ्री वर्ड्स हमारे पास सेकंड साउंड के हैं, ठीक है। यहाँ भी सेकंड साउंड है, यहाँ भी सेकंड साउंड है, क्लियर। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, अब वन साउंड और हमारे पास रहती है, इस वर्ड को रीड करें, शेफ मशीन, वेरी नाइस। तो यहाँ हमें सी एच की कौन सी साउंड मिलेगी, थर्ड साउंड, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कॉमास को इरेज किया है ताकि आपके लिए साउंड को जज करना आसान हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखें ये थ्री वर्ड्स में हमें फर्स्ट साउंड मिलेगी, चेन, चेयर, चाइल्ड, ठीक है। च च फर्स्ट साउंड, सेकंड साउंड स्कूल, कॉट, एक सेकंड साउंड, थर्ड साउंड शेफ मशीन, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि सी एच हैज थ्री साउंड्स, च ख श, च ख श, च ख श, कीप इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट फोनोग्राम हमारे पास है ए आर। अब वर्ड्स की रीडिंग करेंगे, कार, जार, फार, स्टार, बार, वेरी नाइस। सो ए आर की हमें कितनी साउंड्स यहां मिली हैं, यस आर, वन। हर वर्ड में फर्स्ट साउंड है, इट मींस ए आर की सिर्फ वन साउंड है, आर ऑफ कार, या कोई भी हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, आर ऑफ जार, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, चलेंगे अपने नेक्स्ट फोनोग्राम की तरफ जो कि है ए वाई। अब वर्ड्स की रीडिंग करेंगे, डे, ले, रे, ट्रे, ट्रे, कितनी साउंड हमें पता चली, यस वन साउंड। हर वर्ड में हमें फर्स्ट साउंड मिली है, सो ए वाई की भी वन ही साउंड है, ठीक हो गया। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, सबको समझ आ रही है, ए वाई की भी वन साउंड है और ए आर की भी वन साउंड है, ए ऑफ डे, लाइक दिस, क्लियर, ए ऑफ डे, आर ऑफ कार। अब एक मतलब मुझे साउंड बता दें इसकी, सी एच की, वेरी गुड, च ख श, आर ऑफ कार, ए ऑफ डे, क्लियर स्टूडेंट्स। अब ओके स्टूडेंट्स, तो आज के फोनोग्राम्स की राइटिंग कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट फोनोग्राम ये है जो आपने इसकी साउंड पे पढ़ी है, च ख श। चलते हैं राइटिंग की तरफ, आप लोग साथ साथ इसकी साउंड पढ़ते जाएं और साथ साथ हम राइटिंग करेंगे, च ख श, च ख श, च ख श। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हम पहले कर चुके हैं, च ख श, च ख श। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स, इट्स टुडे सेकंड डबल लेटर फोनोग्राम, इट्स आर ऑफ कार, लेट्स राइट दिस, R of car, R of car, R of car, R of car, R of car. Are you getting students? Or today's last double letter phonogram is A of day. अब चलते हैं इसकी writing की तरफ, A of day, A of day, A of day, A of day. Clear students? In this way you will write on your writing series. You have to do your work neat and clean. Okay students, एक बात का अपना ख्याल रखना है, जो triangles एक ही हम बना रहे थे single letter में, वही same triangles हम बनाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे loops बनाएंगे यहाँ भी और यहाँ भी, और आपने writing series पे अपना बहुत प्यारा प्यारा work करना है, okay? अब हम चलेंगे राइटिंग सीरीज की तरफ, वेरी नाइस। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 38 पे, च ख श, आर ऑफ कार,
ए ऑफ डे. ठीक है, ये थ्री फोनोग्राम्स गिवन है. आपने प्यारी प्यारी राइटिंग में प्यारी राइटिंग कंप्लीट करनी है. ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे. ठीक है, वन लाइन यू विल डू एज क्लास वर्क एंड अदर लाइन यू विल डू एज होमवर्क. ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है, फिल एंड रीड. फिल मीन राइट, फिल करना मीन राइट करना. ठीक है, यहाँ पे कुछ खाली जगह आपको नजर आ रही है, कुछ ब्लैंक्स हैं यहाँ पे. यहाँ पे हम फिल करेंगे. ठीक है, फिल करेंगे मतलब हम राइटिंग करेंगे. तो जो पहली हमारी एक्टिविटी है वो है सी एच फोनोग्राम की, सेकंड एक्टिविटी है ए आर फोनोग्राम की, थर्ड एक्टिविटी है ए वाई फोनोग्राम की. तो पहले हम ये वर्ड्स को फिल कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम इन वर्ड्स को रीड कर लेंगे. ठीक है, बाद में हम इसकी रीडिंग करेंगे. पहले यहाँ पे इनको राइट करेंगे ताकि हमें रीड करना आ जाए. ठीक है, लेट्स राइट. तो हमने अपनी राइटिंग कर ली है एक्टिविटी में, अब हम इसको रीड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे देखें कि सी एच की कौन सी साउंड आएगी. तो ये आप फर्स्ट पिक्चर को देखें और वर्ड रीडिंग करें. चिप्स, चेयर, स्कूल, मशीन. आर यू गेटिंग? च ख श, च ख श. क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, स्टार, मार्केट, कार, गार्डन. ठीक है, आर साउंड, स्टार, मार्केट, कार, गार्डन. वेरी नाइस. एंड द लास्ट वन वी हैव रे, क्ले, स्प्रे, ट्रे. क्लियर स्टूडेंट्स? पिक्चर से आपको बहुत आसानी से मीनिंग समझ आ रहे हैं. आपने बहुत केयरफुली पिक्चर्स को देखना है और अपने अपना वर्क कंप्लीट करना है. बहुत अच्छी आपने साउंड्स की प्रैक्टिस करनी है. एक मरतबा और रिवाइज कर लें मेरे साथ साउंड्स. च ख श, च च ख श, आर ऑफ कार, एंड लास्ट वन ए ऑफ क्ले, ए ऑफ रे. क्लियर स्टूडेंट्स? कीप रिवाइजिंग योर वर्क. अपना वर्क साथ साथ रिवाइज करते जाएं, राइटिंग का भी साथ साथ कंप्लीट करते जाएं. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेसन. अपना बहुत ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.